बच्चों आज की इस वीडियो में देखेंगे एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024-25 कक्षा पाँचवीं विषय पर्यावरण। आज की वीडियो में देखेंगे पाठ 18 में है जाएं तो जाएं कहाँ। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका जात्रिया के गांव छोड़ने का कारण था, तो आपको उत्तर में करना है बांध बनना। इसके बाद है दूसरा है नदी पर बांध बनने से उसके आसपास के गाँवों को क्या फ़ायदा होगा, तो आपको उत्तर में करना है बिजली का उत्पादन बढ़ेगा। तीसरा में है जात्रिया के पूर्वज कहाँ रहते थे, तो आपको उत्तर में करना है खेड़ी गांव। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका द नंबर में है जात्रिया जब मुंबई पहुंचा तो जीवन यापन के लिए उसने कौन सा कार्य प्रारंभ किया, तो आपको उत्तर में करना है मछली पकड़ने की जाली की मरम्मत का कार्य। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका रिक्त स्थान वाले प्रश्न आते हैं, तो पहले में भरना है आपको बिन बुलाए मेहमान, दूसरे में भरना है आपको बांध, तीसरा में भरना है आपको ज़मीन और जानवर, इसके बाद चौथे में भरना है आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अति लघुतरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक दूसरा में है आप बड़े होकर गांव में रहना पसंद करेंगे या शहर में क्यों, तो आपको उत्तर मिल करना है गांव में क्योंकि गाँव का वातावरण और हवा शुद्ध होती है। तीसरा में है शहर में आबादी ज़्यादा होती है फिर भी लोग अकेला महसूस करते हैं क्यों, तो आपको उत्तर में करना है शहर के लोग पैसा कमाने की दौड़ में लगे रहते हैं तो एक दूसरे को समय नहीं देते। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक चौथा में है आपको गांव छोड़ दूर नई जगह जाकर रहना कैसा लगेगा, तो आपको उत्तर में करना है बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद आता है आपका पाँचवें में है लघुतरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक पाँचवा है खेड़ी गांव के लोगों को सिंदूरी गांव में आने पर किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो उत्तर में करना है सिंदूरी में प्रत्येक वस्तु पैसों से मिलती थी, सिंदूरी में यदि कोई बीमार पड़ जाता तो डॉक्टरों से अस्पताल में दिखाना पड़ता था, अस्पताल में दवा भी नहीं मिलती थी जबकि जात्रिया के गाँव में जड़ी बूटी से इलाज होता था। इसके बाद छठवा में है गाँव का जीवन शहरों से किस प्रकार अलग है, तो आपको उत्तर में करना है तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा है गाँव का जीवन, यहाँ पे शहरी जीवन, तो यहाँ पे लिखना है गाँव का जीवन शांत और खुशहाल है, शहरी जीवन में लिखना है शहर का जीवन अशांत और दौड़ भाग है, दूसरा है गाँव का वातावरण और हवा शुद्ध है, शहर का वातावरण प्रदूषित और हवा जहरीली है, तो आपको इस तरह का लेना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक सात में है क्या आपने ऐसे बच्चों को देखा है जो पढ़ने के साथ साथ काम पर भी जाते हैं, उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ता होगा, उत्तर में करना है हाँ मैंने ऐसे बच्चों को देखा है, उन्हें ऐसा उनके घर की कमज़ोर आर्थिक स्थिति के कारण करना पड़ता है। आठ में है बच्चे खेड़ी गाँव में काम कर रहे थे और मुंबई में भी काम कर रहे थे परंतु वे खेड़ी गाँव में खुश थे क्यों, तो आपको उत्तर में करना है क्योंकि वे बचपन से गांव में रह रहे थे, उनको गांव पसंद था, गांव में शुद्ध वातावरण शुद्ध वायु शांत जीवन था परंतु मुंबई इस सबसे विपरीत था, प्रदूषित वातावरण दौड़ भाग था। इसके बाद आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक नौवां में है बांध बनाने के लिए लोगों को अपने घरों से हटाकर दूसरी जगह बसाना ठीक है या नहीं सोचकर लिखिए, उत्तर में करना है बांध बनाने के लिए लोगों को अपने घरों से हटाना ठीक नहीं क्योंकि जहां उनकी पूरी जीवन जीने की व्यवस्था व्यवसाय सब है वह सब उजड़ जाता है और नहीं जीने के लिए नए व्यवसाय और साधन खोजना पड़ता है जो बहुत कठिन होता है। इसके बाद दसवें है बांध बनाने के फ़ायदे और नुकसान लिखिए, तो आपको इधर लिखना है फ़ायदे नुकसान, पहला है जल संचयन, नुकसान में लिखना है पर्यावरण प्रभाव, दूसरा है सिंचाई व्यवस्था, नुकसान में लिखना है जनसंख्या विस्थापन, तीसरा है बिजली उत्पादन, नुकसान में लिखना है अधिक बोझ आर्थिक बोझ, फायदे में लिखना है बाढ़ नियंत्रण, चौथा पॉइंट है नुकसान में जोखिम। इसके बाद पांचवा पॉइंट है पानी की गुणवत्ता और नुकसान में लिखना है आपको सामाजिक प्रभाव, तो आपको इस तरह करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।